दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि एक यूट्यूबर की अर्निंग कितनी होती है? एक यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल से कितनी कमाई कर लेता है? दोस्तों, ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है और ये सवाल लगभग हर किसी को परेशान करता है। मुझे भी किया था। दोस्तों, मैं भी सोचता था कि आखिर ये यूट्यूबर कितनी कमाई कर लेते होंगे। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो आज आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में अपना खुद का लाइव अर्निंग दिखाऊंगा, अर्निंग रिपोर्ट दिखाऊंगा कि मैं कितना अर्निंग कर लेता हूं 1 महीने में अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। इस यूट्यूब चैनल के नहीं, बेसिकली मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यू स्टार बैच, और उस चैनल पर मैं कितनी अर्निंग कर लेता हूँ क्योंकि उस चैनल पर 44K+ सब्सक्राइबर है अभी हाल ही में। बाद में यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ अधिक हो गया हो, लेकिन अभी 44K+ सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल पर कितनी अर्निंग होती है आज मैं आपको ये सारा कुछ लाइव दिखाने वाला हूँ, सारा कुछ रिवील करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको YT स्टूडियो के बारे में तो पता ही होगा। यदि आप यूट्यूबर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो YT स्टूडियो नाम का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर हम अपने YouTube चैनल का सारा एनालिसिस, सारा कुछ मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। लगभग 90% हम YT स्टूडियो की मदद से अपने YouTube चैनल को एक्सेस करके सारा कुछ मैनेज करते हैं और यहीं पर हम रिवेन्यू भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपना अर्निंग दिखाने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले YT स्टूडियो नाम के एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेज का एनालिसिस यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर $169.66 का अर्निंग इस लास्ट 28 डेज में हो चुका है। और इसको मैं फिल्टर करके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा 1 महीने का अर्निंग एग्जैक्ट कितना हुआ है। तो चलिए मैं रिवेन्यू के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर दिखा रहा है कि लास्ट 28 डेज का जो रिपोर्ट है वो आपके सामने शो हो रहा है। इसे मैं फिल्टर करके आपको दिखाता हूँ कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर। मैं अगस्त महीने का अर्निंग दिखाना चाहता हूं आपको, तो यहां पर कैसे फिल्टर करेंगे, लास्ट 28 डेज है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अगस्त माह की अर्निंग रिपोर्ट, तो अगस्त पर क्लिक किया और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा 1 महीने का अर्निंग $169.40 हो गया है। और 169.40 को हम जब कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो कितना होगा, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, $169.40। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि $1 का प्राइस कितना है इंडियन रुपीज में, 73.29। तो इस पर 169.40 कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,415 रुपए, मतलब इसका रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है डॉलर का प्राइस, तो मान लो कि 72 रुपए हो सकता है या फिर 74 रुपए। तो लगभग 12,300-400 के अराउंड अपना 1 महीने का अर्निंग जो कि अगस्त माह का है, और देख सकते हैं आप खुद लाइव यहाँ पर कि मेरे 1 महीने का अर्निंग कितना है, 12,000+ है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, अगस्त माह का तो देख लिया आपने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जुलाई महीने का। जुलाई में आप देख सकते हैं बहुत कम, मतलब $70, $70.62। और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो कितना होगा, 70.62 था, देखिए 5,175 रुपए। दोस्तों, YouTube पर बहुत ज्यादा अर्निंग फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पर ज्यादा कुछ नहीं, एप्लीकेशन, एसे, पोयम ये सब कुछ लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन सब में क्या होता है, मेरे इस YouTube चैनल पर जो व्यू आता है वो इवेंट बेस पर आता है। जैसे 15 अगस्त हो गया तो 15 अगस्त के 1-2 दिन पहले 14-13 अगस्त को, क्योंकि मैं 15 अगस्त के ऊपर लिखा हूँ बहुत सारा, तो वो उस दिन बहुत ज्यादा वायरल होता है। अब मान लो कि कल मेरा क्या है, टीचर डे है, तो टीचर डे के ऊपर जितना भी कविता, कहानी, पोयम लिखा हूँ, भाषण लिखा हूँ, वो सारा कुछ 4 अगस्त, 4 सितंबर, 3 सितंबर, इधर 1-2 तारीख से चलना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से मेरे इस YouTube चैनल का अर्निंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, किसी महीना 12,000-13,000 पहुंच जाता है तो किसी महीना 2,000-3,000 में भी रुक जाता है।
दोस्तों उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।